नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू वन। देखिए, हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो बनेगा, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे जाएगी और ऐसे ही ये वैल्यू माइनस की तरफ आ जाएगी। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द एक्सिस एक्स एक्सिस, इसमें ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, दिस इज माइनस वन माइनस टू। तो यहाँ पे एक तो हमारा एरिया हो गया ये इनके बीच में, एंड एक्स एक्सिस दिस एंड एक्स इजकल टू वन, यहाँ पे ये हमारे पास एक्स इजकल टू वन हो गया। तो ये एरिया, यहाँ पे अगर मैं एक्स की बात करूँ, माइनस टू से लेके जीरो तक है, किसके अंडर है, वाई इजकल टू एक्स क्यूब में। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस टू टू जीरो एंड एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, यहाँ पे एरिया फिर जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, दिस इज जीरो एंड ये एक्स इजकल टू वन है, तो वन तक, दैट इज आल्सो एक्स क्यूब इन टू डी एक्स। दिस इज एक्स की फोर अपॉन फोर, माइनस टू टू जीरो प्लस, दिस इज एक्स की फोर अपॉन फोर, जीरो टू वन। ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, मॉडुलस में रहना चाहिए क्योंकि एरिया हमारा पॉजिटिव होता है हमेशा। जीरो रखेंगे, जीरो अपॉन फोर जीरो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, टू की पावर फोर, सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन फोर माइनस फोर, बट ये हमारे पास प्लस का बनेगा एंड ये वैल्यू हमारे पास बनेगी वन अपॉन फोर माइनस जीरो। दिस इज फोर प्लस का वन अपॉन फोर, दैट इज सेवनटीन अपॉन फोर, सो डी इज आवर राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू मोडलेस एक्स, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन इज गिवन बाई। देखिए, यहाँ पे जब हमारे पास फंक्शन की बात कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स मोडलेस एक्स, ये हमारे पास बाइफर्केट होके क्या होगा, एक्स इंटू माइनस एक्स वैन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इंटू एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब ये फंक्शन हमारे पास बन रहा है माइनस एक्स स्क्वेयर वैन एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस का एक्स स्क्वेयर वैन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनके ग्राफ की बात करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, दिस इज एक्स डैश एंड एक्स है वाई एंड वाई डैश। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू वन हो जाएगी, सो दिस इज वन एंड वन, एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू फोर। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने टू पुट की, वाई की वैल्यू हमारे कितनी बन रही है, फोर बन रही है, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। एंड देन इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अगर हम एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो वाई हमारे पास क्या बनेगा, माइनस वन। एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस वन बन रही है, दिस इज माइनस वन। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा बनेगा, अगर एक्स की वैल्यू मैंने टू पुट कर दी तो वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस फोर, तो माइनस फोर बन जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये कुछ इस टाइप का हमारा फिगर बन रहा है, ठीक है। एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, आर्यन बंद कर भाई, गलत हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर वैन एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस का एक्स स्क्वेयर वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं लेस देन जीरो लेता हूँ, मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैं माइनस वन लूँ तो वाई की वैल्यू भी मेरे पास माइनस वन ही होगी, तो ये पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू मैं अगर माइनस टू लेता हूँ
तो y की वैल्यू माइनस फोर, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे बन रही है। और x की वैल्यू में अगर 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो y की वैल्यू 4 बन जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने किस किस के बीच में बोला है, ये हो गया हमारे पास कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस इनके बीच में ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वन, ये हमारा माइनस वन, तो यहाँ ये वाला एरिया एंड x इज इक्वल टू वन एंड ये वाला एरिया, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया माइनस वन से लेके ज़ीरो, माइनस वन से लेके ज़ीरो तक मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड प्लस ज़ीरो से लेके वन तक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस बाहर हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन से लेके क्या हो गया ज़ीरो, बट उसको बनाने के लिए हमने क्या रखना है, पॉजिटिव मॉडुलस एक्स की थ्री अपॉन थ्री ज़ीरो टू वन हो गया। ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वन पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का वन अपॉन थ्री एंड यहाँ पे भी प्लस का वन अपॉन थ्री एंड ज़ीरो, वन अपॉन थ्री दैट इज़ टू अपॉन थ्री हमारा आंसर आ जाएगा, सी इज़ अवर राइट आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 मीन्स जिसका रेडियस कितना हो, 4 हो, यहाँ से 4 का स्क्वेयर। तो एक सर्कल तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, जिसका रेडियस 4 है। तो ये मेरा जो पॉइंट बनेगा ये 40 बनेगा, ये माइनस का 40 एंड दिस इज 04 एंड दिस इज 0 माइनस का 4। बट एक्सटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है ऐसे, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। इसके एक्सटीरियर में हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो बताना हमने। अगर हम इस सर्कल के एरिया में से इस पैराबोला का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज ओ लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहाँ से हम इसका प्लस इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिएगा। देखिए हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास सेकंड में वाई स्क्वेयर की वैल्यू है, वाई स्क्वेयर है 6x, इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस का 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस का 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 8 एंड एक्स माइनस 2 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 8 एंड x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल कर देते हैं हम, x की वैल्यू 2 हो गई। सो ये मेरा जो बनेगा वो 2 बन गया। अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें तो 6 टू जा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज़ y इज इक्वल टू 2√3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2√3, बट मुझे x की वैल्यू ही चाहिए थी, x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। अब एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिक्वायर्ड एरिया दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल सर्कल के एरिया में से माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, ट्वाइस ओ ए बी ओ इसका एरिया माइनस कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने 3 पुट कर ली, इसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, दैट इज़ लिमिट 0 से लेके 2 तक मेरे पास क्या है, पैराबोला है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x है, मीन्स y इज इक्वल टू √6x इंटू dx प्लस 2 से लेके 4 तक हमारे पास सर्कल है,
सर्कल में हमारे पास क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट लूँगा मैं, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, इंटू डी एक्स। देखिए रूट सिक्स मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे x की पावर 3/2, x का इंटीग्रेशन लेंगे अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। रूट सिक्स बाहर ले लिया, x रूट है, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 0 से लेके 2 प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या बनता था हमारे पास, x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए यहाँ पे 4 स्क्वेयर है, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए हमारा क्या बनेगा 4 एंड 2 से लेके 4 तक, एंड ट्वाइस भी करना है तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 2 इंटू पूरे का इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वन, ठीक है। सो 2 इंटू रूट सिक्स, एक्स की वैल्यू 2 पुट करूँ, 2 की पावर 3 8, 8 का 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा भाई, और ये मल्टीप्लाई होके 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू इसके नाम का 2 हुआ है ये, 2 से लेके 4 तक 4 वैल्यू पुट करूँगा तो ये 0 ही बन जाएगा, यहाँ पे पुट करूँगा 16/2 ये हो गया 8 साइन इनवर्स 1 एंड माइनस 2 पुट करेंगे 2/2 1 हो गया 16 माइनस 4 √12 मतलब 2√3 हो गया, एंड माइनस का 8 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पे वैल्यू होगी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8/3 √12 √12 प्लस का 2 × 8 साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2 माइनस 2√3 8 साइन इनवर्स 1/2 π/4 तो 8 माइनस का साइन इनवर्स 1/2 दैट मीन्स π/6 तो 8π/6 हो जाएगा, ठीक है। π/6 130 के ऊपर होता है, इसको सॉल्व करेंगे 2√3 √12 जो होगा वो 2√3 होगा, तो 2 8 जा 16/3√3 प्लस का ये बन गया हमारा 8π 2 4 जा 8π माइनस 4√3 माइनस का 2 से कैंसिल करूँगा मैं 3 तो 8/3π हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू इनको सोल्व करूँगा 3 4 जा 12 16 में से दैट मीन्स 4√3/3 3 8 जा 24 माइनस 8 माइनस का 16 अपॉन 3π ये आ गया हमारा ओ ए बी ओ के ट्वाइस का। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वेयर, पाई इंटू 4 का स्क्वेयर, रेडियस 4 है, 16π हो गया रिक्वायर्ड एरिया। इसमें से 16π में से ये वाला एरिया माइनस कर दें, माइनस करेंगे माइनस का 4√3/3 एंड प्लस का 16π/3π माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाए, सॉरी यहाँ पे प्लस का बचेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3 16 48 दैट मीन्स 32/3π माइनस का 4√3/3 4/3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 8π माइनस का √3 8π माइनस √3 4√3/8π माइनस √3 सी इज योअर आंसर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ये आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स इज 0 to π/2 के बीच में लाई करता है। देखिए वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, दिस इज एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, कोस 0 1, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 1 मीन्स हम यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया 0 1 एंड देन
अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय फोर लेता हूँ तो y की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम वैल्यू लें y इज इक्वल टू कोस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स में x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो लेते हैं, x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया हमारे पास। x की वैल्यू अगर हम पाई बाई फोर लेते हैं, ये हो गया हमारा पाई बाई फोर, ये हो गया हमारा यहाँ पे हम ले रहे हैं पाई बाई टू, ज़ीरो से लेके पाई बाई टू की बात हम कर रहे हैं। तो पाई बाई फोर पे हमने y की वैल्यू 1/√2 मीन्स यहाँ तक आ जाएगी, एंड पाई बाई टू पे हम लेंगे तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू पाई बाई टू 1, तो ये मेरे पास से कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, दिस इज़ y इज इक्वल टू साइन x। और अगर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू कोस x, तो ये हो गया हमारे पास पाई बाई टू, अगर मैं पुट करूँगा तो 0 हो गया, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एंड द y एक्सिस, तो मेरा ग्राफ जो बनेगा वो एरिया जो चाहिए मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू जो पॉइंट है हमारा पाई बाई फोर x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर मैं पाई बाई फोर पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 1/√2 है। तो मुझे ये पता चल गया हम y एक्सिस पे ले सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा मेरा वो क्या है, y एक्सिस पे ले रहे हैं हम ज़ीरो से लेके 1/√2, 0 to 1/√2, ये मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये y इज इक्वल टू कोस एक्स है। तो मैं y पे ले रहा हूँ, x dy हो गया, एंड प्लस 1/√2 से लेके 1 तक यहाँ पे भी x dy हो जाएगा। यहाँ से अगर हम साइन एक्स के साथ x निकालता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा साइन इनवर्स y, और एक हमारे पास x क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स y। यहाँ पे साइन इनवर्स y बनेगा 0 to 1/√2 साइन इनवर्स y dy, एंड प्लस 1/√2 से लेके 1 कोस इनवर्स dy। अब साइन इनवर्स y का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता था हमारे पास, पहला फंक्शन एज इट इज़, या हमने एक फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था साइन इनवर्स का, लिमिट x इंटू साइन इनवर्स y, वहाँ पे हम क्या करते थे, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का 1 का हमने इंटीग्रेशन किया तो y आ गया था। ठीक है, y या हमारे पास फार्मूला हमने बनाया था x साइन इनवर्स x, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस क्या बन रहा था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये किसका बना था, साइन इनवर्स y का। इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स y, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का dy साइन इनवर्स y, एंड दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, dy, ये क्या था हमने। तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1 माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट होगी 0 to 1/√2। कोस इनवर्स का जब बना था सॉरी यहाँ पे हमारे पास y कोस इनवर्स y माइनस बना था रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट हमारी यहाँ पे 1/√2 से लेके 1 तक थी भाई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस 1/√2, 0 पुट करूँगा तो माइनस का 0, एंड माइनस का रूट 1 मीन्स माइनस 1 बन गया, प्लस 1 पुट करेंगे तो y इंटू वाई की मीन्स 1 हो गया मेरा, कोस इनवर्स 1 हो गया, कोस इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, एंड देन माइनस करेंगे 1/√2 कोस इनवर्स 1/√2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1/√2 बन गया। ठीक है, अब वैल्यू आगे फाइंड आउट करते हैं, 1/√2 हो गया, साइन इनवर्स 1/√2 मतलब पाई बाई 4 हो गया, 1 माइनस 1/√2 प्लस का 1/√2 वैल्यू बच गई, माइनस 1
कोस इनवर्स वन, वन किसके ऊपर होता है, जीरो पे होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। माइनस का वन अपॉन रूट टू कोस इनवर्स वन अपॉन रूट टू दैट इज आल्सो पाई बाई फोर, ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास कैंसिल ही हो जाएंगी। एंड प्लस का वन अपॉन रूट टू, ये वैल्यू मेरे क्या हो गई, कैंसिल होगी। वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू दैट मीन्स टू अपॉन रूट टू माइनस वन। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे रूट टू, अगर मैं रूट टू एलसीएम लूँ तो टू माइनस रूट टू, और रूट टू आगे उसमें से कॉमन अगर हम लें, या फिर हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, दिस इज रूट टू माइनस वन, तो रूट टू माइनस वन मेरा बी आंसर आ रहा है, रूट टू माइनस वन यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग साइन इनवर्स वाई वन एंड वन एज सेकेंड पार्ट्स, तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलिए ये था आपके चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।